तो गाइस, अब जैसे कि अब हम कर रहे हैं अपना लाइव प्रीमियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लाइव चैट में ही पूछ लो। आपके क्वेश्चंस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनेगी, मतलब एक सेम टॉपिक जो आपके क्वेश्चन का होगा उसी के ऊपर वीडियोस बनेगी फ्यूचर में। तो आप अपने क्वेश्चन लाइव चैट में पूछते रहो। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि कौन कौन से रिटर्न हो सकते हैं 2020 में। 10 नाम है मेरे पास, काफ़ी अच्छी लिस्ट है, तो आपको देखना चाहिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। आप देखो इस प्रीमियर को बिल्कुल लास्ट तक, कर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वेट किस चीज़ का, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस 10 रिटर्न्स का नाम है मेरे पास और 10 को मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो गाइस सबसे पहले जो नाम है वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज का। एज के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 2019 में उन्होंने समर स्लैम में एलायस को स्पीयर दिया था, जिसके बाद से WWE के रिंग में तो नहीं दिखे हैं। और यहाँ पे मैच तो काफ़ी लंबा समय हो गया, तो यहाँ पे 2020 में उनका रिटर्न होगा ही होगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। और एज का रिटर्न मतलब रिटर्न यहाँ पे पक्का होगा 2020 में। नेक्स्ट रिटर्न की बात करें गाइस, जो कि है बेस्ट इन द वर्ल्ड सुपरस्टार जो है हमारे CM Punk। अब गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि CM Punk का रिटर्न हो सकता है, और श्योरिटी इतनी नहीं दूंगा मैं, लेकिन चांसेस हैं CM Punk के रिटर्न के। और आपको पता है इसके पीछे पूरी थ्योरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई है CM Punk के ऊपर, तो आप चैनल पे देख भी सकते हो। अब CM Punk की बात हो रही है तो तीसरा रिटर्न हो सकता है AJ Lee का, जो कि है CM Punk की वाइफ। अब गाइस यहाँ पे CM Punk रिटर्न करेंगे तो AJ Lee के भी रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और AJ Lee भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे अभी बिजी हैं फिलहाल, तो वो मतलब अभी जो भी हैं राइटर हैं, ऑथर हैं, काफ़ी सारी बुक्स भी उन्होंने लिख दी है और पब्लिश भी हो गई है फिलहाल, तो वो काफ़ी बिजी हैं। लेकिन अगर CM Punk का रिटर्न होता है तो AJ Lee का भी रिटर्न 2020 में हो सकता है। नंबर 4 पे आपको पेज का रिटर्न देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल पक्का है, 2020 में पेज अपना रिंग रिटर्न मैच करेंगी इंजरी के बाद, जो उनकी नेक इंजरी हुई। अब यहाँ पे पेज का 2020 में रिंग रिटर्न मैच होगा। इसके बाद से गाइस 5वें रिटर्न की बात करें, जो कि लार्ज सेलेवन का। लार्ज सेलेवन मेंटल हेल्थ का उनका कुछ सही नहीं था और नी की शायद इंजरी हुई थी उन्हें, जिस वजह से वो भी मतलब WWE में कुछ समय समय देखने को नहीं मिले। यहाँ पे लार्ज सेलेवन का भी रिटर्न हो सकता है और ये भी 2020 में हमें समर स्लैम के राउंड होते हुए दिख सकता है। उसके बाद से गाइस 6ठे नंबर पर हमें जो रिटर्न देखने को मिलेगा 2020 में, वो हमारे इंडिया के ही सुपरस्टार महाराजा जिंदर महल का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेम इनके पीछे भी स्टोरी है, इन्हें भी इंजरी हुई थी और जिंदर महल भी 2020 में रिटर्न कर सकते हैं अपना। इसके बाद से गाइस 7वां रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है नाया जैक्स का। फिलहाल मैंने आपको बताया 2 वीडियो पहले कि नाया जैक्स अभी WWE की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रही हैं, अब जैसे उस चीज़ से वो फ्री होती हैं नाया जैक्स अपना रिटर्न कर सकती हैं। इसके बाद से गाइस 8वें नंबर पर रिटर्न हमें देखने को मिलेगा रोंडा राउजी का। शायद रॉयल रंबल में ही हो जाए रोंडा राउजी का रिटर्न, लेकिन रिटर्न तो अब पक्का होने वाला 2020 में। 8वें नंबर पर रोंडा राउजी का रिटर्न होगा गाइस। इसके बाद से 9वें नंबर पर रिटर्न होगा ट्रिपल एच का। अब यहाँ पे मतलब WWE में तो वो है ही, लेकिन उनका मैच का रिटर्न होगा, यानी कि इन रिंग एक्शन में ट्रिपल एच आपको देखने को मिलेंगे। और 2020 में ये हो सकता है सऊदी अरेबिया वाले इवेंट में। आखिरी रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, जो कि गाइस अब यहाँ पे हो सकता है शेन मैकमैन का। शेन मैकमैन मतलब फायर किए गए थे स्मैकडाउन से जब वो हारे थे स्मैकडाउन के फॉक्स प्रीमियर पे केविन ओवेंस से लैडर मैच में, और उसके बाद से हमें नहीं देखने को मिले शेन मैकमैन WWE में। अब देखते हैं कब होता है उनका रिटर्न, चांसेस है कि 2020 में इसी साल हो, पता नहीं किस ब्रांड में जाएंगे, लेकिन उनके भी रिटर्न के चांसेस हैं। तो ये थे 10 रिटर्न जो कि हो सकते हैं, एज CM Punk, AJ Lee, पेज लार्ज सेलेवन, जिंदर महल, नाया जैक्स, रोंडा राउजी, ट्रिपल एच और शेन मैकमैन। आप किसे देखना चाहते हो रिटर्न करते हुए नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके जितने भी क्वेश्चन अभी बस लाइव चैट में पूछ ही लो, बस खत्म होने वाली है ये प्रीमियर, आपके क्वेश्चन ऊपर पक्का वीडियो बनेगी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूं वीडियो पसंद आई हो आपको, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट और फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।